इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में 8 अगस्त को जंतर मंतर पर हुई भड़काऊ नारेबाजी के मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 4 आरोपियों को अदालत ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 2 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोप है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर आयोजित भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम के दौरान एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ नारेबाजी की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और सोमवार रात 2:30 बजे के बीच अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को थाने बुलाया और जब पूछताछ हुई तो पता चला ये सब एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी पर पुलिस ने एक्शन किया है। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कल सभी संगठनों के समर्थक थाने के बाहर पहुंच गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ महिलाएं तो थाने के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरह उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर रोका गया। काफी देर तक यह हंगामा जारी रहा। हालात ऐसे थे कि पुलिस को पैरामिलिट्री फोर्स तक बुलानी पड़ी। हालांकि बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने रोड जाम कर दी, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर में जाम भी खुलवा दिया। 8 अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम की पुलिस को जानकारी तक नहीं दी गई थी, इसीलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना उनके पास सबूत है, वीडियो एविडेंस है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जैसा आप जानते हैं 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इस मामले में, और अभी जो हमारी इंटरोगेशन और पूछताछ है उसमें कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं, तो उस पर जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा हम इसमें जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो करेंगे। अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग रोल है, और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इस स्टेज पर अगर हम कुछ डिस्क्लोज करते हैं तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बाकी 6 लोग हैं, उनको सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया। भड़काऊ वीडियो में नारे लगवा रहे 2 और व्यक्ति की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। भगवा कपड़ा, मुंह पर आधा मास्क लगाकर नारेबाजी कर रहे उत्तम मलिक फिलहाल फरार हैं। साथ ही पिंकी चौधरी की भी तलाश हो रही है। पिंकी चौधरी का असली नाम भूपेंद्र तोमर है, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। पिंकी चौधरी खुद को हिंदू रक्षा दल का चीफ बताता है। पिंकी चौधरी बार बार वीडियो भी जारी कर रहा है और लोगों को उकसाने का काम कर रहा है, लेकिन जब कोर्ट ने 4 को जेल भेज दिया तो पिंकी चौधरी के भी सुर बदल गए। उसका कहना है सारे वीडियो फर्जी हैं। हम लोग थे, लेकिन हम लोग 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 बजे समापन हुआ था, 1:30 बजे हम वहां से निकल गए थे और उसके बाद कुछ हुआ था ये हमें जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके इसको पता नहीं किस तरीके से इन्होंने प्लान करके और ये जो है वीडियो चलाई है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये बालक है, इनकी कोई गलती नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस जो उस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बालक हैं भाई, 18-20 वर्ष की आयु होगी उनकी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन, किसान नेताओं की सुरक्षा, पंजाब पर आतंकवादी खतरे और अहम नेताओं और संगठनों पर हमले की आशंका पर चर्चा की। कैप्टन ने अमित शाह के सामने 4 मुख्य मांगे रखी, जिसमें पहली थी 3 कृषि कानून जल्द वापस लिए जाएं, दूसरी मांग 5 किसान नेताओं की सुरक्षा केंद्र संभाले, तीसरी मांग पंजाब के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 कंपनियां दी जाएं, और चौथी मांग BSF को एंटी ड्रोन तकनीक दी जाए। कृषि कानून और किसान आंदोलन के अलावा कैप्टन के एजेंडे में सरहद पार से पनपरा खतरा भी था। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने किसी भी आतंकवादी गतिविधि से मुकाबले के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 25 कंपनियां मांगी। ये कंपनियां अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, भटिंडा, फगवाड़ा और मोगा में तैनात की जाएंगी। इसके अलावा BSF के लिए ड्रोन पर निशाना साधने वाले उपकरण मुहैया कराने की भी मांग की। स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब में ISI की सरगर्मियां बढ़ गई हैं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से फौरन दखल देने को कहा। कैप्टन ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन में शामिल नेताओं की जान को खतरा है। उन्होंने 5 किसान नेताओं के बारे में बताया जिन पर खतरे के बारे में खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है। इसके अलावा कैप्टन ने यह भी कहा कि पंजाब में मंदिरों के साथ साथ आरएसएस की शाखा, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना के नेता, डेरा निरंकारी भवन और समागमों को भी खतरा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।